नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स के टाइप्स, इन मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं एवं कौन सा मॉडल कहाँ प्रयोग होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब मीन्स मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब का एक प्रकार है। मॉडल सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका पूरा नाम मॉडल एक्सिलरीज है। इसके दो प्रकार हैं। प्रथम फर्स्ट इज मॉडल्स एंड सेकंड इज सेमी मॉडल्स। सेंटेंस में मॉडल यूज करने के लिए तीन मुख्य नियम हैं। अगर आप इन तीनों नियमों का उपयोग करके किसी सेंटेंस में मॉडल यूज करते हैं तो पूर्णतः संभावना है कि आपने वह सही किया होगा। तो ये तीन, आप इसे गोल्डन रूल्स भी बोल सकते हैं, इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में मॉडल फील करने के लिए होगा ही होगा। तो प्रथम रूल है, वैक में मॉडल प्रयोग करने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लें। अगर वैक में कोई वर्ब है मीन्स कोई काम हो रहा है, अगर वहां पर कोई मॉडल यूज हो गया वैक में, तो हमेशा उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज में ली जाती है। सेकंड लॉ यहाँ पर देखते हैं हम, सेकंड गोल्डन रूल। वैक में कर्ता मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसमें मॉडल एक जैसा ही रहता है, मतलब मॉडल बदलता नहीं है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। एग्जाम्पल आई, सी एंड दे। आई के साथ भी हम लिख सकते हैं आई कैन डू इट, और दे के साथ भी लिख सकते हैं और सी के साथ भी लिख सकते हैं। दे बहुवचन है, आई और सी, सी एक वचन है और आई भी बहुवचन है। तो तीसरा और मोस्ट इफेक्टिव गोल्डन रूल है कि मॉडल्स की इन्फिनेटिव फॉर्म टू सेल, टू मस्ट, ईटीसी या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती। मतलब हम मॉडल को इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं जैसे टू सेल। अब सेल एक मॉडल है, इसके आगे इन्फिनिटिव लगा दिया टू, तो इस प्रकार इसे नहीं लिखते हैं, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल। मैं आपको पहले सारे मॉडल लिख के बताऊंगा, उसके बाद उसकी नेगेटिव फॉर्म फुल वाली और एक शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होती है। जैसे कैन एक मॉडल है, इसकी फुल नेगेटिव फॉर्म हो गई कैन नॉट और शॉर्ट फॉर्म हो गई कैनॉट। इसमें हम एन ओ को साइलेंट कर देते हैं। इस प्रकार सभी मॉडलों की होती है।